हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई कंपनी। मैं हूँ गीता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई बड़े चाव से खाता है। ये वेज और नॉन वेज दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पॉपुलर एंड टेस्टी इंडो चाइनीज ग्रेवी यानी मंचूरियन ग्रेवी की। तो चलिए देखते हैं इसे घर पर आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। मंचूरियन ग्रेवी में चलिए सबसे पहले बनाते हैं मंचूरियन। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बारीक कटी गोभी, 1/4 कप बारीक कटी फ्रेंच बीन्स, 1/4 कप बारीक कटा गाजर, 1/4 कप बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक, 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड आटा, 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले और फिर इसमें ऐड करें थोड़ा पानी। ठीक से सारी चीजें मिलाने के बाद अब बना लेंगे इसके छोटे छोटे गोले। एक पैन में तेल गरम करें और मंचूरियन को तल ले। इसे तलते वक्त आंच को धीमी रखें ताकि मंचूरियन जलने ना पाए। देखिए, ये हल्का सुनहरा हो चुका है, यानी ये ठीक से तल चुका है। इसे बर्तन में निकाल ले। अब एक दूसरे पैन में ले 1 बड़ा चम्मच तेल। इसे इस तरह से पैन के चारों ओर फैला ले। अब 1/1 छोटा चम्मच बारीक कटे लहसुन अदरक को इसमें डालकर इनको हल्का भून ले। इसके बाद 1/1/4 कप हरी शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन्स और हरे प्याज का सफेद प्याज हम इसमें डालेंगे और साथ ही 2 बड़ा चम्मच हरे प्याज के पत्ते। सारी सब्जी जब थोड़ी पक जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सारी चीजों को डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर ले और फिर इसमें डालें 1/2 कप पानी और 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का घोल। इसे डालने से ग्रेवी गाढ़ी होगी। इसे थोड़ा चलाकर पकने दे। इसके बाद दोबारा हम डालेंगे 1 कप पानी। इसे लगातार चलाते रहे और पकने दे। हल्का उबाल आने पर अब इसमें हम डालेंगे पहले तैयार किया हुआ मंचूरियन और ग्रेवी में उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अब एक बोल में निकाल ले और गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालें बारीक कटे स्प्रिंग अनियन और लीजिए गर्मा गर्म इसे खाने का मजा। तो फ्रेंड्स, इस मंचूरियन ग्रेवी को आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा और इसे चावल या नूडल्स के साथ परोसिएगा। देखिए खाने वाले के मुंह से फिर कैसे होती है तारीफों की बरसात। वेल, आई होप कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे दे इजाजत। नमस्कार।